पौड़ी से खबर है जहां भाजपा के सदस्य अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा जबरन लोगों को सदस्य बना रही है जिनका पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि व्यक्ति का मोबाइल नंबर मांगकर उसे डिजिटल माध्यम से सदस्य बनाया जा रहा है। वही भाजपा विधायक राजकुमार पौड़ी का कहना है कि भाजपा के जनप्रतिनिधि हर किसी के पास जा रहे हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हो या किसी अन्य दल से। ऐसे में ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो पार्टी का सदस्य बनाना चाह रहा है या नहीं। विधायक ने कहा कि किसी को भी जबरन सदस्यता नहीं दिलवाई जा रही। पौड़ी से मुकेश पछेती की रिपोर्ट। मुझे खुद पता नहीं, जो व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ था जो वहाँ से मेरे को मिले, उनने बोला जी मैं जो हूँ, जब मैंने उनसे सब मेरे साथ एक पूछा मेरे किया, मैंने उनसे पूछा आपकी तारीफ, कह रहे जी मैं जो है सांसद का प्रतिनिधि हूँ। तो मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कह रहा जी यहाँ पर हम BJP के मेम्बर बना रहे हैं। तो ये मेम्बर मेरे लिए तो भोजनालय है, ये कोई आपका ऑफिस थोड़ी है जो यहाँ आप रेस्टोरेंट में मेंबर बनाएंगे। तो फिर वो बोली नहीं नहीं ये सब चलता है। मैंने कहा आपकी दृष्टि में चलता है लेकिन ये हमारी दृष्टि में नहीं चलता, हम तो इसको वैध तरीके से लेंगे और आप पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी हम इसके। यहाँ तक मेरे को ध्यान आया जो ओम प्रकाश जुगड़ान उन्होंने शायद बताया था, कन्फर्म तो मेरे को नहीं है लेकिन सांसद बने अपने आप को बता रहे थे कि मैं ओम प्रकाश जुगड़ान हूँ सांसद बने। ऐसा अभी तक तो कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, केवल आपने बात रखी है। मैं समझता हूँ कि ऐसा जबरन तो किसी को बनाया नहीं जाता है, हो सकता उनके व्यक्तिगत संबंध उनके साथ रहे हों इसलिए उनका फोन लेके उन्होंने खुद बनाया हो, ये व्यक्तिगत आपसी तालमेल की बात है। किसी के साथ हंसी मजाक में भी आप दोस्ती में जो है एक दूसरे के साथ जो है हम आपका फोन ले लेंगे बनाएंगे, तो ये जबरन नहीं हुआ ये।